पिथौरागढ़ के दूसरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी यहाँ से हम जा रहे हैं लंदन फोर्ट, लेकिन अभी मैं हूँ देव सिंह फील्ड पिथौरागढ़। ये वाला फील्ड है जहाँ सरदो उत्सव का मेला लगता है। हामिद जी ने बताया सरदो उत्सव का मेला लगता है। ये उधर कार पार्किंग है, पूरी एरिया में लोग कार पार्क करते हैं कुछ चार्जेस दे करके। और ये है यहाँ का फील्ड स्टेडियम, क्रिकेट या फिर फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल चलता है ना, क्रिकेट भी चलता है, फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल होंगे, कभी कभी वो भी चलता है, हॉकी भी चलता है। देव सिंह फील्ड, ये सिर्फ फील्ड नहीं है, ये यहाँ की पहचान है, ये यहाँ की जान है। कहते हैं कि अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप यहाँ आकर बैठ जाओ। इस ग्राउंड में इतनी एक्टिविटीज़ होती है कि सुबह से शाम हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, मैं अभी ध्वज मंदिर से ही आ रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ लंदन फोर्ट या पिथौरागढ़ फोर्ट। वो सामने है लंदन फोर्ट और इसके बगल में है रामलीला मैदान। तो स्टार्टिंग होती है एंट्री गेट से, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना है। और हमारे धामी जी डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं। इस किले को 1789 में गोरखा ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, क्योंकि ऊंचे स्थान पे होने के कारण यहाँ से दुश्मनों पे आक्रमण किया जा सकता है। कपिलेश्वर, नकुलेश्वर, कामाक्षिया एंड महाराजा पार्क। ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लंदन फोर्ट का नाइट व्यू बहुत प्यारा दिखता है। इस किले के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी है। वहाँ से दिख जाएगा, दिखाते हैं। तो धामी जी, हाँ सर, ये पूरी मार्केट है ना पिथौरागढ़ की? ये पूरा मार्केट है सर, यहाँ पूरा मार्केट चंडा के ऊपर ही है, पूरा चंडा के ऊपर ही है, जहाँ हमें कल जाना है। और यहाँ कुछ टूरिस्ट भी आए हैं, चलो टूरिस्ट से बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। हेलो हेलो, आप लोग कहाँ से हो? पिथौरागढ़ से घूमने आए हो? कब से नहीं आए थे ना, तब अभी आए। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा, सुकून सुकून है, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़। आपको कैसा लगा यहाँ आके, आप बताइए, हम तो यहीं के हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ से, कहाँ से? ध्वज मंदिर से। ध्वज से? ध्वज होते, हाँ, ध्वज होते हुए फिर यहाँ आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। अगर मैं यहाँ दिन में आता तो ये किला कुछ ऐसा दिखता। इस व्लॉग में इतना ही। अब अपने अगले व्लॉग में मैं आपको ले जाने वाला हूँ थल केदार, जहाँ स्वयं शिव जी का वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।